सोए बच्चे को विश थोड़ी करते हैं। चलो कोई बात नहीं, सब लोग अपना अपना काम करो। अरे 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 अरे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ क्या बोल रहा बीबी? हाँ नहीं सुनाई दिया, हैप्पी बर्थडे कुछ तो बोलो। थैंक यू, बुआ हैप्पी बर्थडे ने भी अनुष्की, बोला हैप्पी थैंक बर्थडे, यू। इतना छूखा छूखा थैंक यू कौन बोलता है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अभिष्टी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे क्या गाते हैं? मैं तो भूल गई क्या। मे गॉड ब्लेस कोई यू, मे नहीं गॉड गाएगा तो ब्लेस बिस्टी खुद ही गा यू। लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिस्टी, अभिष्टि के सो के उठने तक ऑलमोस्ट हमारे काम हो चुके हैं, क्योंकि हमने घर में पूजा रखवाई है, सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई है। तो उसके लिए सुबह से साफ सफाई में हम सब लोग लगे हुए थे। अभिष्टि की बुआ लोग आई हुई हैं, जया और छाया बच्चे आए हुए हैं, और यहाँ पे तैयारियाँ हम लोगों ने कर ली हैं। हम लोग नहा भी चुके हैं, फ्रूट्स वगैरह धो के रख दिए पूजा के लिए, और माँ ने नहाने के बाद सीधे किचन में आके प्रसाद बनाना शुरू कर लिया। कुछ चूरन और हलवा पूरी ये सब बनाना होता है कथा के लिए, तो माँ उसमें लग गई हैं। और बाकी की जो पूजा की तैयारियाँ हैं, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह धोना, ये सब मैं कर रही हूँ। तो पूजा की तैयारी के बाद मैं सीधे किचन में आ गई, लंच पे लग गई। पूजा पे माँ पापा जी बैठेंगे तो वो लोग पूजा की तैयारी में लगे हैं, और मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो एक साइड मैंने खीर चढ़ा दी और दूसरे साइड मैं सब्जी का मसाला रेडी कर रही हूँ। थोड़ी सी मैगी भी बना दी गई साथ में, कि बाकी सब बच्चे बच्चे खा लें, हम लोग खा लें, क्योंकि पूजा दोपहर के बाद तक ख़त्म होगी, तब तक लंच का टाइम हो जाएगा। कॉल्स भी आ रहे हैं, तो अभी मेरी सिस्टर ने वीडियो कॉल किया है। मेरे बाद वाली सिस्टर नहीं है, वो वापस चली गई थी एंगेजमेंट के बाद, तो उसका वीडियो कॉल आया है। और उसका जो बाबू है आदू, वो अभी बोलना सीख रहा है, तो उससे बात करने में ना बड़ा मज़ा आता है। तो उसी का वीडियो कॉल था जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। पापा जी यहाँ पे चौक बना रहे हैं, वो चौक पूरते हैं जब पूजा होती है, तो रंगोली जैसा बनाते हैं आटे और हल्दी से। बढ़िया और फटाफट रंगोली बनाई ना, इतनी सुंदर ड्राइंग है पापा जी के। और पंडित जी भी हमारे आ चुके हैं। पंडित जी एक्चुअली हमारे बड़े भैया हैं, तो वो भी आ गए हैं। पूजा बहुत मस्त कराते हैं भैया। तो पूजा की तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, माँ भी रेडी हो गई हैं, पापा जी भी रेडी होंगे इसके बाद, और सारे काम चल रहे हैं इसी में साथ साथ। धीरे धीरे सब लोग भी आने शुरू हो गए हैं पूजा के लिए, जिन लोगों को बुलाया गया है, रिलेटिव्स जो भी यहाँ पे हैं अभी, वो सब लोग धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। मम्मी, गुन्नी, ये सब लोग आ चुके हैं। भाभी लोग आने वाली हैं, मतलब मेरी जेठानी लोग, तो वो लोग भी आ रही हैं। तो मज़ा आने वाला है, आज बहुत दिनों बाद हम सब लोग मिलने वाले हैं। और जितने लोग हैं सब कुछ न कुछ काम में लगे हुए हैं, कोई फ्री नहीं है। इतना काम है कि कुछ न कुछ सबको है करने के लिए, तो उसी में सब अपना बिजी हैं, कर रहे हैं, उसमें मस्ती चल रही है। यहाँ पे पापा जी भी रेडी होके आ गए और भैया भी आ गए हैं। अब यहाँ पे पूजा की आगे की तैयारी कर रहे हैं वो, तो जैसे ये सारी तैयारियाँ पूरी हो जाएंगी वैसे ही कथा शुरू हो जाएगी। Thank you.
में जैसे पूजा पाठ का कुछ शुरू होता है, कितना पॉजिटिविटी आ जाती है, एकदम माहौल बदला बदला सा लगने लगता है और इतना बढ़िया लगता है ना। तो यहाँ पे मंडप भी बन गया है कथा के लिए, चौक भी हो गया, और भैया ने ये ग्रह वगैरह भी बना लिए हैं और अब बस पूजा शुरू होने जा रही है। बाकी हम लोग किचन में लगे हुए हैं, माँ पूजा में बैठ रही हैं, तो हम बाकी की जनता किचन में लग गई है क्योंकि पूजा ख़त्म होने से पहले कोशिश है कि लंच रेडी हो जाए, जिससे कि पूजा के बाद फिर लंच सर्व कर सकें हम लोग और सब लोग खा सकें। अधिकतर लोगों ने कुछ नहीं खाया सुबह से क्योंकि पूजा है, तो इसलिए लोगों ने फास्ट रखा हुआ है, तो इसलिए लंच के लिए लेके ये है कि थोड़ा जल्दी बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। शुरू हो गई है, बुआ है, बुआ गठबंधन कर रही है माँ पापा जी का और उसी पे सब मजे ले रहे हैं पापा जी के कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे अब तो, बुआ गठबंधन कर रही है तो भारी रकम देनी पड़ेगी बुआ को। और यहाँ पे भाभी आ गई हैं बच्चों के साथ, भाभी चंडीगढ़ में रहती हैं बट अभी छुट्टियों में आई थी तो अब इष्टी के बर्थडे पे मिलने का प्लान बना लिया हम लोगों ने। वीडियो बन रहा है, ब्लॉग में सब बनाएंगे। यहाँ आ गए, आ गए, क्या क्या काम कर रहे हो उसमें, सब कहेंगे सब ब्लॉग ही बनाने आए हैं। पनीर काट रही हूँ, इतना हार्ड काम है पनीर काटना, पावर का यूज होता है। भाभी भी काट रही है, इतना मेहनत वाला काम दो दो लोग कर रहे हैं। मेरी जेठाने काम कर रही है, हेलो कर, हेलो हेलो, और ये भाभी चंडीगढ़ में रहती हैं और ये दूसरी भाभी ये बनारस में रहती हैं, दोनों मेरी जेठानियां हैं। तो अभी ऐसे सब मिल जाते हैं ना तो इतना मज़ा आता है, काम तो काम और साथ में इतनी मस्ती करते हैं हम लोग ना। हमारे घर पे काम करने वाली आई है, शुगर। और जब तक इधर पूजा चल रही है अभिष्टी की फुल मस्ती चल रही है। अभिष्टी पैसे ले लेके किसी ना किसी से शॉप पे जा रही है, कुछ उल्टे सीधे सामान खरीद के ला रही है। और पूजा यहाँ पे हो चुकी है, बाकी जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो लोग जा चुके हैं, रिलेटिव सारे घर पे हैं, फैमिली है सारी, और अब लंच की बारी है। बच्चा पार्टी अपना खेलने में मस्त है, बाहर जेंट्स सारे बाहर बैठे हुए हैं, बाहर बातचीत चल रही है, लेडीज सारी अंदर बातचीत कर रही हैं, लंच की प्रिपरेशन चल रही है। मैं सबके प्लेट में देख रही हूँ, बाद में सबको बताऊंगी किसने कितना खाया। शाम हो गई है, शाम को इतना हम लोग थक गए थे ना, सुबह से इतना हेक्टिक रहा हमारा शेड्यूल कि शाम को डेकोरेशन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, जितना हो पाया उतना फटाफट कर दिया गया। आधे लोग चले भी गए, कुछ किसी का कॉलेज था, किसी की कोचिंग थी, तो बच्चे चले भी गए थोड़े बहुत, मेरा भाई चला गया और भी एक दो बच्चे चले गए।
फाइनली थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लिया, अभिष्टी को रेडी कर दिया, अभिष्टी को प्रिंसेस बनना था तो अभिष्टी अपना रेडी हो गई हैं, बहुत एक्साइटेड है, सब आ चुके हैं तो अब फाइनली केक कटने जा रहा है। अभिष्टी को लग रहा है केक अच्छा नहीं लगा, लेकिन देख के तो नहीं लग रहा, बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही। ओ अभिष्टी इतने एक्साइटेड है गिफ्ट्स को लेके, बोलती इधर रख दो इधर रख दो, अपना गिफ्ट्स अरेंज करने में लगी हुई हैं और मुझसे बोलती कि फटाफट केक काट लेते हैं उसके बाद गिफ्ट्स खोलते हैं देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है अभिष्टी, वेट नहीं हो पा रहा है इनसे। काटने से पहले हम सब ने एक एक करके अभिष्टी को यहाँ पर टीका लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और उसके बाद केक कट करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अभिष्टी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। खा लीजिए ना, सबको खिलाओ सबको खिलाओ। थोड़ा हिंदी गाना खिलाओ और क्या, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, जय हिंद जय आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये इस पे भी केक है, फोटो ले लागे। हां सब लोग जाओ उसके साथ फोटो ले। रुक जाओ भाई, क्या है, रुको बैठो बैठो। इसका क्राउन छाया, क्राउन क्राउन क्राउन, वो उसके बाल के अंदर उसको वो कर दो। कैमरा उधर है, ये वीडियो वाला है। वेरी गुड। एक बार पाउच बनाएंगे, पाउच बनाएंगे अभिष्टी, कम ऑन। ओह क्या बात है, छाया बुआ को देखो, ये फेस ऐसे नहीं, थोड़ा सा सीधा करो, स्माइल कर लो थोड़ा। इधर इधर देखो, इधर देखो, स्माइल कर लो। बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ इस बार का बर्थडे अभिष्टी का। देखते देखते समय कितना जल्दी निकल गया, अभिष्टी 4 साल की हो गई और अभी जैसे लगता है अभी तो अभिष्टी होने वाली थी। हम लोग कितने एक्साइटेड थे, इतनी छोटी सी जब हुई थी अभिष्टी, पूरी गुलाबी गुलाबी पिंक कलर की बिल्कुल थी जब ये हुई थी तो।
और टाइम कितना जल्दी निकल गया। कभी कभी लगता है इतनी जल्दी बड़ी ना हो, आराम आराम से बड़ी हो, इसका बचपना ख़त्म ना हो जल्दी। मैं हो रही हूँ इमोशनल, तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।